आज तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज या अनिल कुमार, सुमित तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहां की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे और सभी उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आप उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊ, पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है, उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा, कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा।